टॉक के साथ मैं हूं इफ़त हसन रिजवी और मेरे साथ हैं मोहम्मद अनवर सूफी। सितंबर में नॉर्वे में इलेक्शन है और उस इलेक्शन में अब पाकिस्तानी किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं ये जानते हैं सूफी साहब से। जी सूफी साहब, मैं सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि हर ताक साल नॉर्वे में इलेक्शन का साल होता है, हर दो साल बाद। ठीक है, हर दो साल बाद जो ताक साल आता है वो होता है, और सितंबर का दूसरा या तीसरा हफ्ता, दूसरी या तीसरी सोमवार को ये इलेक्शन होते हैं। और ये आंधी हो, तूफान हो, जलजला हो, जंग हो, जो भी हो, ये इलेक्शन होने ही होने हैं और ये ऑटोमेटिक होते रहते हैं। लोगों को घरों में पहुंच जाते हैं, इतना पहुंच जाती है कि आपका वोट कहाँ है और कहाँ जाके आपने वोट, यानी शमूलियत है यार। हर बंदे की ऑटोमेटिक जो उनका रजिस्टर है जिसमें वो पॉपुलेशन को सारी को कंट्रोल करते हैं, उसमें सारों के लिखे होते हैं, जो जो उस उम्र में आता जाता है उसको ऑटोमेटिकली इंडिविजुअली लेटर आते हैं। मुझे अलग आएगा, मेरी बेगम को अलग आएगा, फैमिली को नहीं आते हैं, इंडिविजुअल को आते हैं। वोट इंडिविजुअल ने देना होता है, फैमिली ने नहीं देना होता, बरादरी ने नहीं देता होता। तो आप लोगों को यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से अपना पैगाम पहुंचा रही हैं? मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर दो बड़ी पार्टियां हैं, वो दोनों ही दरमियान में है तकरीबन, और उससे बाई तरफ पार्टियों की लाइन है और दाई तरफ पार्टियों की लाइन। तो ये कोई तकरीबन 9 पार्टियां मोटी मोटी बनती हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेंगी इस साल। उनके मैं नाम आपको पढ़ देता हूँ। पहले तो है लेबर पार्टी, ये है अपने आप को लेफ्ट की पार्टी कहते हैं, सोशल डेमोक्रेट भी कहते हैं, लेकिन लेबर पार्टी इनका नाम है। ठीक है, और इनके मुकाबले में हेरे है बाएं दाएं बाजू की, वो भी लिबरल कंजर्वेटिव है। इनके नाम का मतलब क्या है? हेरे का मतलब है दाया। अच्छा, हाँ जी, दाएं बाजू की सियासत। जी जी जी। और उसमें अपने आप को वो कहते हैं कि हम लिबरल हैं लेकिन कंजर्वेटिव लिबरल हैं। ठीक। और जो सोशल डेमोक्रेट हैं वो लेबर पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी। इसके बाद दाएं बाजू में इससे आगे दो हाथ आगे प्रोग्रेसिव पार्टी है, जिसको नॉर्वेजियन में फ्रेम स्क्रिट पार्टी, फ्रेम मैंने बताया आगे, स्क्रिट मैंने कदम बढ़ाना, फ्रेम स्क्रिट, फ्रेम स्क्रिट पार्टी। और ये इनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है? इनका ये इनका है नेशनल कंजर्वेटिज्म एंड नेशनल लिबरलिज्म। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये किसी हद तक नेशनलिस्ट पार्टी है। ये कड़वे नेशनलिस्ट हैं। जो हर वो चीज जो नॉर्वेजियन नहीं है उसको नापसंद करते हैं। जैसे कि हम भी हैं। ठीक, मतलब यूं कह सकते हैं कि कॉम परस्त जमात है। हाँ जी, कॉम परस्त है, नेशनल पार्टी है, बिल्कुल कॉम परस्त है। अच्छा, एक इससे आगे एक जो लेफ्ट में है, मिडल में एक है सेंटर पार्टी, मिडल में जी, वो एग्रीकल्चर से मतलब है, वो समझ रहे कि किसानों की पार्टी। लेकिन ये मेन स्ट्रीम पे तो लोगों के वोट नहीं हासिल कर पाती होगी किसानों की पार्टी। नहीं, ये छोटी है, असल पार्टियां दो ही हैं, वो जो राइट हाइरे और लेबर पार्टी, जिस तरह बरतानिया में। ठीक, एक लेबर पार्टी है और उसके मुकाबले मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें दो ही पार्टीज का हिस्सा ज्यादा है। फिर आगे जाए एक और पार्टी है बाएं तरफ, उसको सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी कहते हैं जी, वो जरा आरबेट पार्टी से ज्यादा जरा कहने के ज्यादा सोशलिस्ट है जी। और उनसे आगे जो है वो रेड पार्टी है, यानी जो सुर्खे जिसको आप कह सकते हैं, तकड़े हैं,
लेकिन यहाँ पे तगड़े हैं लेकिन अपने हदूद के अंदर। उनके इतने ज्यादा मेंबर नहीं होते हैं लेकिन बहरहाल उनकी होल्ड है पॉलिटिकल लाइफ में। अच्छा, मतलब पाकिस्तानी, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पाकिस्तानी शुरू में काफी हुए थे इनकी पार्टी में गए। हाँ, लेकिन मैंने इनको बहुत अरसा हुआ कि मैंने समझाया था कि तुम जो समझ रहे हो ना कि ये गरीब लोग हैं और ये कम्युनिस्ट हो जाएंगे, इन्होंने कोई नहीं होना, ये आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो दोबारा करेंगे, लेकिन असल में जब शुरू में हम आए थे ना जी, तो इन्होंने जो सुर्खे है ना, इन्होंने हमें वेलकम किया था और यही हमें बताते थे कि फला ये है, शिकायतें लगाते थे नरविंदर की पॉपुलर होने के लिए। तो मुझे पता था कि पाकिस्तानी चीन के साथ दोस्ती तो कर सकते हैं लेकिन चीन के साथ कम्युनिस्ट नहीं हो सकते। वो जब इनको चोट पड़ेगी तो जाएंगे अमेरिका की तरफ। इसी तरह ये पाकिस्तानी का ये मिजाज इस तरह का है, क्या जो अब ये आप बेशक काट दीजिएगा कि जोश मलियाबादी खुदा को भी नहीं मानते थे लेकिन मुहर्रम की मजलसें मिस नहीं करते थे। ये मैं क्यों काट दूं, इसको जाने दे। इस बात को सज्जाद नहीं कि हाँ भी मजलसें होती थी कम्युनिस्ट ने, नहीं तो इसको हम क्यों काटे, हम अनसेंसर्ड बातें करेंगे, हम किसी सेंसरशिप के अंडर में तो नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग शौकिया कम्युनिस्ट बन जाते हैं जी। लेकिन कम्युनिज्म का जब इम्तिहान आता है तो वहाँ हम फेल हो जाते हैं। वैसे तो हम इस्लाम के मामले में भी फेल ही हैं, हम कहाँ कौन से पास हो गए हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आती कि हम क्यों जा रहे हैं एक तरफ। लेकिन बहरहाल इन्होंने बहुत हमें उस सहारा दिया, कह सकते हैं सोशलिस्ट पार्टी ने सहारा दिया। और इन्हीं से एक और पार्टी निकली है, ग्रोने पार्टी, ग्रीन पार्टी। अच्छा, वो इनकी जगह ले रही है क्योंकि ये वो तो जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं ना उनसे लोग थोड़े से घबरा जाते हैं। ये सारा डिजाइन इनका भी वही है लेकिन ये अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं कहते, ग्रीन कहते। अच्छा। हैं ग्रीन शादाबी का रंग है, तो ये एक किस्म का मैं ये समझता हूँ ये है ये अंदर से कम्युनिस्ट ही लेकिन इन्होंने ग्रीन चादर ओढ़ ली है। ठीक है। हाँ जी, तो ये एक क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो रैंक ईसाइयों की पार्टी है। अच्छा। लेकिन डेमोक्रेटिक ईसाई है ये पार्टी। इसमें जगह है मुसलमानों के लिए? मैंने तो एक दफा इनका एक बंदा असेंबली में सपोर्ट करके लेके गया था, लार्ज से उसका नाम था। इसमें पाकिस्तानियों के लिए सबसे सूटेबल जमात कौन सी है? जी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। क्यों? हर आदमी अपने मिजाज के मुताबिक जहाँ करीब कहीं करीब होता है ना तो वो मतलब कि वहाँ शामिल हो जाता है और उसको कहता है कि ये अच्छी है। लेकिन अगर रैंक आप देखें कि पाकिस्तान पाकिस्तान की शनाख्त आइडेंटिटी उसके मामले में या पाकिस्तान का तहफ्फुज या मतलब कि अब आप देखें ना कश्मीर का मसला जी, कोई पार्टी आपको हाथ नहीं डालेगी उसमें। यहाँ हमारे पाकिस्तान में तो ये कल्चर है कि सियासत में अचानक से हमें पता चलता है कि कोई सियासतदान किसी दूसरे मुल्क से आया और वो पाकिस्तानी सियासत में एक्टिव भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह से नहीं है। यहाँ पे आपको ग्रास रूट से अपना पूरा एक करियर बनाना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपने आप को नथी करके एक अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, उसके बाद ही आप पार्लियामेंट के मेंबर भी बनते हैं, आप पॉलिटिशियन, एक कामयाब पॉलिटिशियन या लोगों को मुंह दिखाने के काबिल होते हैं, जबकि आपने कोई काम किया हो, आप किसी पार्टी के साथ अरसे से वाबस्ता हो, उसके बाद ही होता है। ये नहीं होता है कि अचानक से किसी का वीजा लगा और कोई आके वजीर खजाना बन गया, कोई आके वजीर आजम बन गया, ये नहीं होता यहाँ पे। आज हमने इस 10 मिनट के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है कि नॉर्वे में
कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनका मैनिफेस्टो, ये तकरीबन नौ है मोटी मोटी। हाँ जी, ब्रीफली हमने बताया कि उसका मैनिफेस्टो उन पार्टीज का क्या है। एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम इनको तफसीली भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानियों को नॉर्वे में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा सूट करती है।